नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, RRB NTPC के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। कंप्यूटर का ये पार्ट टू है, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट डाल चुके हैं। इस कंप्यूटर पार्ट टू में जो हम बात करेंगे आज, कंप्यूटर की आपके जनरेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर आपसे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। आपका अब कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर कंप्यूटर के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, 3 या 4 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं कंप्यूटर के। ये नॉर्मल है 3 या 4, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर के कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस बारे में बात करें तो, अगर कंप्यूटर की सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, कई में आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए होते हैं। जैसे बैंकों की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन होता है, वहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर। आपके अगर राजस्थान या फिर आपके स्टेट लेवल के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपका अगर कंप्यूटर सिलेबस में है तो कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर RRB NTPC रेलवे के बारे में बात करते हैं, रेलवे NTPC और रेलवे JEE वगैरह जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर कंप्यूटर जो पूछा जाएगा, वहाँ भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर के जो जनरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, सुपर कंप्यूटर तक के आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। बाकी हम इसमें आपके जब अगली बार हम जब क्वेश्चन इसके लेंगे तो उसके आपके चैप्टर वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो हैं, जैसे आपके हार्डवेयर, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपके MS ऑफिस में से जो क्वेश्चन बनते हैं, आप बाकी आपके इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो के अंदर अगर आपको पसंद आता है जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को अभी नीचे आपको सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। देखिए, जो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले अवेकस का निर्माण हुआ था आपका, जिससे हम जोड़ना और घटाना जानते थे। अवेकस जो आपने देखा होगा, आज भी बच्चों को सिखाते हैं अबेकस में इस तरीके से, उसके अंदर आपके डिवरियाँ सी होती हैं, उनसे ही आपका जोड़ना और घटाने का काम होता है। ठीक है, इस तरीके का ये अबेकस यंत्र होता है जिससे केवल जोड़ और घटाव की किया जा सकता था। अब उसके बाद में ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल आए, और ब्लेज पास्कल ने एक जो प्रथम यांत्रिक मशीन बनाई, प्रथम यांत्रिक मशीन इन्होंने बनाई थी, प्रथम यांत्रिक मशीन बनाई जिससे जोड़ना और घटाना इजी हो गया। ठीक है, जोड़ना और घटाना, तो जोड़ना और घटाने के काम किए जाने लगे, तो ये इन्होंने ब्लेज पास्कल ने बनाई थी 1642 ईस्वी में। लेकिन हम बात कर रहे हैं आधुनिक कंप्यूटर के बारे में। अगर आधुनिक कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो देखिए, चार्ल्स बैबेज आए सन 1822 ईस्वी में। इन्होंने जो 19वीं सदी थी उसमें कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं इनको, चार्ल्स बेबेज को। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1822 में एक एनालिटिक इंजन बनाया। ठीक है, एनालिटिक इंजन बनाया, इंजन चार्ल्स बेबेज थे जो कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं वो आपके चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अबेकस और प्रथम यांत्रिक जो मशीन बनाई गई थी वो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, और ब्लेज पास्कल के द्वारा जो मशीन बनाई गई थी उसे पास्कल का संगणक यंत्र बोला जाता है, पास्कल का संगणक यंत्र बोलते थे हम। तो इसका जो आंसर है, आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि 1822 में इन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जिसमें सर्वप्रथम पूर्ण रूप से स्वचालित गणना करने की योग्यता थी। देखिए, स्वचालित जो कंप्यूटर था जिसमें स्वचालित गणना करने की योग्यता थी वो था Mark I। ये एक ऑटोमेटिक गणना करने वाला कंप्यूटर बनाया गया, जो कि बना था 1940 के आसपास इसको बनाया गया था। तो
1940 में इसको बनाया गया था प्रथम। अब ये जो है संपूर्ण स्वचालित गणना वाला, और अगर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ENIAC था। ENIAC जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर माना जाता है, जिसको बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह कंप्यूटर जिसमें सर्वप्रथम पूर्ण रूप से स्वचालित गणना करने की योग्यता थी, वो है आपका मार्क फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि 1940 के आसपास इसको बनाया गया था। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ, मार्क फर्स्ट के बारे में। अब ये जो बनाया गया मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था, इसका विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बोला जाता है इसको, ये भी है। और इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था आपका, ऑफिशियल नेम जो था वो था आपका ऑटोमेटिक 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 सीक्वेंस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म थी, जो कि इसका नाम था। लेकिन इसको जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लाया लगाया गया था, तब इसका नाम रखा गया था मार्क फर्स्ट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में विश्व का प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था विश्व का जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था ENIAC, तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 1946 में, 1946 में। और इसके अंदर अगर बात करें तो देखिए इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, और जो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर यूज की गई थी, तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। और इसकी जो अगर बात करें तो ये काफ़ी धीमा था। ये जोड़ने और घटाने के बारे में बात करें तो जोड़ने में ये 200 माइक्रोसेकेंड यूज़ करता था, और घटाने में अगर बात करें तो ये गुणनफल की बारे में बात करें तो गुणनफल में ये आपके 2000 माइक्रोसेकेंड्स यूज़ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्व का प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ENIAC में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। देखिए ENIAC में अभी मैंने आपको बताया 18,000 निर्वात नलियों का यूज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निर्वात नलियों का। देखिए अगला प्रश्न है, UNIVAC यूनिवैक फर्स्ट का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। देखिए यूनिवैक कंप्यूटर जो था पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, ये व्यापारिक कंप्यूटर था पहला, जिसको 1951 में लगाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यूनिवैक। और प्रथम कंप्यूटर माना जाता है इसको, व्यापारिक कंप्यूटर के रूप में उत्पादन प्रारंभ होता है इसका, व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ किया गया था इसका, व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है इसका, पहला प्रारंभिक व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवैक फर्स्ट, जिसका उत्पादन किया गया था 1951 में इसको लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। देखिए विश्व के सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो देखिए इसके अलग अलग आंसर मिलते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर है वो 1976 होगा। 1976 में इसका जो कंप्यूटर बनाया गया था वो क्रे कंपनी द्वारा बनाया गया था, क्रे रिसर्च इन CRAY, क्रे रिसर्च INC, ठीक है, ये इस कंपनी द्वारा 1976 में इसको बनाया गया था, क्रे रिसर्च द्वारा निर्मित किया गया था। और क्रे फर्स्ट इसको बोला जाता है, CRAY फर्स्ट, क्रे फर्स्ट इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और इस क्रे कंपनी ने एक कंप्यूटर और बनाया था, जो कि बनाया था YMP 390, YMP 390, जिसकी अगर बात करें तो प्रति सेकंड इसकी जो स्पीड है वो है 2.1 अरब गणितीय संक्रियाएं, ये गणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम है। अब इसके अलावा अगर बात करें, देखिए कई बार आपको कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, CDC 6600, जिसको कंट्रोल डेटा क्रॉप ने बनाया था 1964 में। इसको भी
सुपर कंप्यूटर माना जाता है पहला। और इसको बनाने वाली जो वो थे लोग थे वो तो सेमोर वैज्ञानिक, सेमोर क्रे, ठीक है, MOUR और CRAY, सेमोर क्रे इन्होंने बनाया था। ये जो आईबीएम का 7030 जो कंप्यूटर था आईबीएम का, उससे 3 गुना फास्टर था, 3 गुना तेज था। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं तो वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में चाइना का जो कंप्यूटर है तियानहे सेकेंड, जो कि चाइना का कंप्यूटर है, चीन का, ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है अभी वर्तमान में। और भारत का अगर बात करें तो भारत का विक्रम 100 वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो विक्रम 100, जिसको 2015 में इसरो द्वारा बनाया गया था, इसरो द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा वो 1976 होगा, जो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है। लेकिन CDC 6600 के बारे में कोई पूछता है तो आपको इसका आंसर देना हो 1964 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्लाइड रूल उपकरण का आविष्कार करने वाले थे। देखिए स्लाइड रूल जो उपकरण था, ये जॉन नेपियर का जो आविष्कार किया गया था उसको ही देखकर हर ये आपके विलियम ऑर्टराइट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक स्लाइड रूल उपकरण बनाया था। और ये बनाया गया आपका 1600वीं ईस्वी के आसपास बनाया गया था, इसमें बनाया गया था। और तो 1600वीं जो सदी चल रही थी, 16वीं सदी जो चल रही थी, उसमें ये बनाया गया था, ये स्लाइड रूल उपकरण जो बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विलियम ऑर्टराइट ने इसका निर्माण किया था स्लाइड रूल उपकरण का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंप्यूटर पर चलाया गया था। देखिए जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलाया गया था वो IBM 704 पर चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा IBM 704। और इस पर जो चलाया गया था, ये चलाया गया था 1954 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला है, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। देखिए मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था, इसका जो आविष्कार मैंने आपको पहले बताया था, मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था पहला स्वचालित गणना करने वाला कंप्यूटर था, जो कि आपका 1944 के आसपास हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया था, इसको लगाया गया, जो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो बिल्कुल सही होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दशमलव प्रणाली के स्थान पर कंप्यूटर में बाइनरी डाटा की सिफारिश करने वाली थी। तो देखिए जो जो दशमलव प्रणाली के स्थान पर कंप्यूटर में बाइनरी डाटा की जो सिफारिश की थी वो अगस्ता एडा ने की थी, अगस्ता एडा ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अगस्ता एडा। और ये अगस्ता एडा कौन थी, ये अगस्ता एडा थी आपकी चार्ल्स बेबेज की शिष्या। तो इनकी शिष्या थी ये, चार्ल्स बेबेज की शिष्या अगस्ता एडा, जिन्होंने कंप्यूटर में बाइनरी डेटा की सिफारिश की थी प्रणाली दशमलव प्रणाली के बजाय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दशमलव प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं, जबकि बाइनरी डेटा में आपके 0 और 1 आते हैं, 2 ही डिजिट आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी IBM का पूर्ण रूप है, यानी कि IBM की फुल फॉर्म क्या है। IBM की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये IBM के बारे में अगर थोड़ा और बात करें तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1911 में, 1911 में, जिसमें इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग मशीन रिकॉर्डिंग कंपनी, कंप्यूटिंग 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 टेबुलिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबलिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। लेकिन इसको जब नाम को जो चेंज किया गया 1924 में, इसका नाम चेंज कर दिया गया, IBM रखा गया, और IBM का मतलब था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो आपका जो मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र की एक कंपनी है, और इसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसमें 170 इसके जो 170 देशों से भी अधिक आपके देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला है, पंचकार्ड तकनीक का पिता महा किसको कहा जाता है। देखिए पंचकार्ड तकनीक जो थी वो हरमन हॉलरिथ ने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंचकार्ड तकनीक को हरमन हॉलरिथ ने बनाया था। और देखिए ये जो हरमन हॉलरिथ थे, इन्होंने जो बनाई थी ये डेटा कार्ड, डेटा को कार्ड में पंच करके आप स्टोर करने की इनकी वो थी,
संग्रहित करने का एक तरीका था, और ये सारणीकृत टेबुलेटिंग करके आपको इसको स्टोर करते थे और कोड करके इनको रखते थे, स्टोर किया जाता था। ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपके 1887 में, और ये कब तक यूज में आई, 1896 तक, ठीक है। 1887 से इसका जो विकास हुआ था वो 1887 से, इसके लिए वर्ष जो रहे हैं 1887 1896। हरमन होल्लेथ के द्वारा बनाई गई थी। पंचकाट तकनीक का पितामह किसको कहा जाता है, हरमन होल्लेथ को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम गणना यंत्र है। देखिए जो प्रथम गणना यंत्र जो है वो आपका अवेकस है, क्योंकि अवेकस का निर्माण जो हुआ था आपका बहुत पहले हो गया था, 1400 आपके सन में बैठ गया था, आपके 14वीं सदी के अंदर इसका हो गया था निर्माण, और उस टाइम पर केवल इससे हम जोड़ना और घटाना ही जानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अवेकस। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, क्रे क्या है। देखिए क्रे, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्रे फर्स्ट एक सुपर कंप्यूटर था जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था, क्रे फर्स्ट। तो क्रे आपका सुपर कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1976 में बनाया गया था, क्रे कंप्यूटर जो बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर है क्रे। अगला प्रश्न है आपका, टाइम शेयरिंग तथा टेली प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। देखिए टाइम शेयरिंग तथा टेली प्रोसेसिंग का जो प्रयोग होने लगा था वो होने लगा था आपका थर्ड जनरेशन के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के अंदर, थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग किया गया, टाइम शेयरिंग और टेली प्रोसेसिंग का पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि संपूर्ण रूप से पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर आपका इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म है। किसने बनाया था इसके बारे में बात करें तो देखिए, इसको जो बनाने वाले थे वो थे आपके प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोशले, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोशले, इन्होंने बनाया था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह है। देखिए सीपीयू में आपको पता होगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, सीपीयू के फुल फॉर्म। और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका ALU, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और एक होता है रजिस्टर। ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी, इससे मिलकर आपका CPU बनता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ठीक है। तो अगर बात करें अन्य सभी कंप्यूटरों कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का जो काम कर रहा है, तो देखिए कंपोनेंट्स को जो कंप्यूटर जो है सभी अन्य जो भी सभी कंप्यूटर जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स की जो गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का जो काम करता है वो काम करता है कंट्रोल यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। जबकि ALU में सारे के सारे जो भी आपकी अर्थमेटिक जो आपकी एप्लीकेशन जो आपकी गणनाएं संक्रियाएं वगैरह होती हैं वो सारी यहाँ पर होती हैं, रजिस्टर तीव्रता प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है आपका, प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इसके तीनों मुख्य भाग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ALU यूनिट और आपका कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण जो किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने जो इसका निर्माण किया था 1822 में। और जो निर्माण किया उस पहले इन्होंने डिफेंस इंजन का निर्माण किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ, फिर उसके बाद में एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं तो इंजन बनाया था इन्होंने, लेकिन ये जो जनरल पर्पज़ ये कंप्यूटर बनाना चाह रहे थे चार्ल्स बेबेज 1822 में, लेकिन उस टाइम पे आपका जो उस पुराना समय था काफ़ी, और उस टाइम पे जो अत्याधुनिक आपकी जो चीज़ें इनके लिए जो इक्विपमेंट्स जो चाहिए होते थे वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए प्रोग्राम नहीं बन पाया इनका। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा, चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया। देखिए ट्रांजिस्टर्स का जो उपयोग किया गया था वो आपकी सेकेंड जनरेशन के अंदर किया गया था, और अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर जो बनाया गया, ट्रांजिस्टर जो यूज किया गया जो आपकी सेकेंड जनरेशन में किया गया, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें निर्वात नलियों का यूज किया जाता था, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी। और द्वितीय पीढ़ी कब थी, ये आपकी 1952 से 1964 तक द्वितीय पीढ़ी
बोला गया ये जो समय रहा था कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी माना गया है 1952 से 1964 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया। देखिए आईसी का जो उपयोग किया इंटीग्रेटेड सर्किट जिस पर छोटे छोटे आपके रजिस्टर बल्ले लगे हुए होते हैं, तो आईसी का उपयोग किया गया किस पीढ़ी में किया गया, तो इसका जो उपयोग किया गया था वो आपके थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। तो इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन थर्ड जनरेशन, जो कि 1964 से 1975 तक माना गया है टाइम पीरियड। और इससे ही कंप्यूटर में स्पीड मेमोरी और अधिक और हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया था इन थर्ड जनरेशन में। तो स्पीड आ गई थी आपकी और मेमोरी का भी यूज़ किया गया था, अधिक मेमोरी का यूज़ किया गया था इसके अंदर और हार्ड डिस्क इसमें आ चुकी थी लग चुकी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया। देखिए प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया गया था वो 1645 ईस्वी में किया था, 1645 ईस्वी में। और फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने किया था, जिसको हम पास्कल का संगणक यंत्र बोला जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ब्लेज पास्कल। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपका थर्ड जनरेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन थर्ड जनरेशन से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक थे। तो देखिए जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें आपकी निर्वात नलियों का, निर्वात ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब जिनको बोलते हैं, तो उनका यूज किया जाता था। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन निर्वात नली। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखिए प्रथम अंक के अंकीय जो कंप्यूटर थे, प्रथम अंकीय कंप्यूटर, ये अंकीय लिखा हुआ है, तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जो माना गया है वो माना गया है चार्ल्स बेबेज का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। जैसा कि आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था कंप्यूटर के विकास में, इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था जो कि आपका डिफरेंस इंजन बनाया, फिर उसके बाद में एनालिटिक इंजन बनाया। तो डिफरेंस इंजन सक्सेस नहीं हुआ, फिर उसके बाद में एनालिटिक इंजन बनाया था, तो इन्होंने नीम तो उसी टाइम डाल दी थी। तो इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो देखिए ये जो काम करता है गणना के आधार पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गणना के आधार पर। अगला प्रश्न है, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का जन्म हुआ। देखिए आईसी के जो जो आईसी का यूज किस में किया गया, आप वही क्वेश्चन उसी वही तरीके का क्वेश्चन है, तो जो यूज किया गया था वो थर्ड जनरेशन में किया गया था आईसी का पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन थर्ड जनरेशन में इसका यूज किया गया। अगला है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो हैं आपके BLSI, वहाँ पर आपका BLSI का यूज़ किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन BLSI। और अगला है आपका, ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया। देखिए ब्लूटूथ जो है वो आपका हेराल्ड वैलेंटाइन, वैलेंटाइन जो है राजा, उनके नाम पर रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हेराल्ड वैलेंटाइन। और अगर बात करें तो देखिए इसमें जो ब्लूटूथ काम करती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, तो अगला प्रश्न भी वही है आपका, ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ये जनरल आपके जो जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो देंगे हम आपके लिए, तो इसमें हम आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के मुख्य अंग जो हैं, आपके पार्ट्स जो हैं मेन पार्ट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स आपको मैंने जैसा पहले बताया था, कंप्यूटर आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा जाने लग गया, चाहे SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, सभी में कंप्यूटर को पूछा जाता है। कंप्यूटर एक बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।